हेलो एवरीवन, तो सभी लोग कैसे हैं? होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्च का महीना चल रहा है, इसी महीने में होली है, साथ ही इस महीने में बहुत ही बड़ा पर्व है जिसे महाशिवरात्रि बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो ड्रिंक है वो है ठंडाई, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो बहुत से लोग इसे भांग के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ठंडाई बनाना बता दूंगा। आप चाहे आप इसको सादा पियो, चाहे भांग के साथ पियो, वो आपकी मर्जी है। पूरी डिटेल्ड रेसिपी है, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाले वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चेक करते हैं कि हमारे ठंडाई के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठंडाई के अंदर कुछ स्पाइसेस जाते हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स में ले रहा हूँ 40 ग्राम बादाम ले रहा हूँ, 20 ग्राम ये तरबूज के बीज हैं, साथ ही मैं 20 ग्राम में खरबूजे के बीज ले रहा हूँ। और ये सभी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिलेगी। साथ ही मैं यहाँ पर 20 ग्राम काजू ले रहा हूँ। मैं अपनी ठंडाई को ऑथेंटिक फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 15 ग्राम सौंफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिना काली मिर्च के तो ठंडाई कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च ले रहा हूँ। साथ ही मैं अच्छा फ्लेवर देने के लिए 10 से 12 इलायची ले रहा हूँ, यह हरी इलायची है। और ये है मेन इन्ग्रीडियंट, इसके बिना तो ठंडाई पूरी हो ही नहीं सकती, यही ठंडा फ्लेवर देगा, यह है खसखस। मैंने यहाँ पर 15 ग्राम लिया है। साथ ही मैं इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल मैं बाद में बता दूंगा। और जो दूसरा इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा गुलकंद। ये गुलकंद बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो फ्रेश गुलाब की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ मार्केट वाला गुलकंद यूज कर रहा हूँ। साथ ही हमें हम इसके अंदर डालेंगे 500 ग्राम चीनी। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे गहरा बाउल, और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ना सारी चीजें डालनी है, जितने भी हमारे स्पाइसेस और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। और एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसके अंदर 300 ml पानी, या फिर उतना पानी जितना कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस डूब जाएं। तो पानी मिक्स करने के बाद इसे ओवरनाइट रखना है। तो ओवरनाइट रखने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे। ये मैंने पहले से ओवरनाइट रखे हुए थे, मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है। पूरी रात पानी में रहने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमें अगला काम करना है कि एक ग्राइंडर जार लेना है और इसके अंदर जो स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स इसको डाल देना है विद पानी, और आपको ये अच्छे से करना है, कुछ भी कर्न इसमें जो खसखस के बीज वगैरह वो ना रहे। अब हम इसको बहुत ही महीन पीस लेंगे, इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। जैसे ही ये पीस जाएगा तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गुलकंद। तो गुलकंद हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 चम्मच ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब इसको एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जब ये ग्राइंड हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल महीन पीस जाएगा, बिल्कुल चिकना सा एक पेस्ट बन जाएगा। तब हमें दूसरे प्रोसेस पे चलना है। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रहा हूँ और इसके अंदर हम वो चीनी डालेंगे जो हमने पहले से नाप के रखी हुई थी, जो कि 500 ग्राम थी, और इसके अंदर हम 300 ml पानी डालेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी है ना वो बहुत आसानी से घुल जाए। अब हम क्या करेंगे कि जो केसर था उस केसर के 10 से 12 धागे हम इसके अंदर डाल देंगे, जो कि इसको एक अच्छा कलर भी देंगे और एक अच्छा फ्लेवर भी देंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही हमारी चाशनी में एक उबाल आएगा तो हम स्पैचुला से इसको एक बार चला लेंगे और जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो सारा इसके अंदर डालेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना, निकालते वक्त अगर पेस्ट इसमें जार में बसता है तो 1/4 कप पानी डाल के उसे अच्छे से घुमा कर इसमें ज़रूर डालना, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है आपको। अब आपको क्या करना है, इसको स्पैचुला की मदद से इसको चलाते हुए इसके लम्स को मारना, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसको आपको रिड्यूस करना है एक अच्छा कलर आने तक, इसको अच्छे से पकाना है। पूरी तरीके से पक जाएगा उसकी पहचान में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए ही इस प्रोसेस को पूरा हैंडल करना है, क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर जरा भी लग गया ना तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट हो गए पकते पकते, और देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। देखो ये बहुत स्पीड से गिर रहा है स्पैचुला से। जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, उस पर कलर भी अच्छा डार्क ब्राउन आ जाएगा और ये थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा। जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तो समझ जाना कि आपका जो ठंडाई का घोले वो तैयार हो चुका है। आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसको चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये ठंडाई पूरी तरीके से तैयार है, उसको चेक करने का दूसरा मेथड है कि इसका जो ये पेस्ट है जो अपनी उंगली पे ऐसे बार बार से लगा के देखे, देखिए इसमें तार नहीं बनेगा, बस ये बहुत ज़्यादा थिक और चिपचिपा सा होगा। बस समझ लीजिए कि ये तैयार है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। फिर क्या करना है, आप इसको किसी बोतल में भर के रख लीजिए, आराम से 4 या 5 महीने चलेगा, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा पकने के बाद खुद प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो आप इसको आराम से 3 से 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देर नहीं करते हैं, मैं फटाफट से आपको ठंडाई बनाकर भी दिखा देता हूँ कि इसकी ठंडाई कैसी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने एक शेक वाला जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1/3 जितना ये अपना ये ठंडाई का पेस्ट डाल रहा हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 500 ml दूध डालेंगे। दूध का इस्तेमाल आप करेंगे वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तो एकदम ठंडा दूध है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शेक कर लूँगा। इसके ऊपर देखिए झाग भी कितने अच्छे बन चुके हैं। अब मैं इसकी
की प्लेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो ग्लास ले लिए हैं, अपनी ठंडाई को इसके अंदर डाल लेंगे। तो डालने के बाद क्या करना है, इसको सजाना भी। तो देखो मैं आपको सजा के दिखाता हूँ, वैसे तो आप नॉर्मली ऐसे ही पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, कुछ पिस्ता इस पर डाल लिए हैं, और अच्छा सुंदर सा दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर कुछ केसर के धागे भी डाल दूंगा, ताकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहे तो नॉर्मल भी पी सकते हैं, ये तो सिर्फ मैं प्लेटिंग के लिए ऐसा इसको तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ठंडाई तो बिल्कुल तैयार है। देखिए इस ठंडाई की खास बात पता है क्या है, क्योंकि हमने घर पर तैयार की है, हमें पता है कि इसके अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल फ्रेश थे, कोई एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि जब आप बाहर दुकान से इस ठंडाई को लेकर आते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है, सिवाय चीनी के आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये ठंडाई बनाना सिखा दिया है। अब महाशिवरात्रि भी आ रही है और होली भी आ रही है, चाहे तो आप इस ठंडाई को भांग डालकर बनाएं या सिंपल बनाकर पिएं, वो आपकी खुद की मर्जी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल तो हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।